दोस्तों, गांव के एक कोने में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और कठिन परिश्रम से अपने और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता था। रामलाल को खेती में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ी कठिनाई उसकी जमीन के बीचों बीच पड़ी एक विशाल चट्टान थी। वह चट्टान इतनी भारी थी कि रामलाल उसे हटाने का प्रयास तो बार बार करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वह इस चट्टान को हटाकर ही दम लेगा। उसने पूरी ताकत से चट्टान को धकेलना शुरू किया, लेकिन चट्टान हिलती भी नहीं थी। थक हार कर वह वहीं बैठ गया। तभी उसके गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए और रामलाल से बोले, बेटा मेहनत करते रहो, जब तक तुम्हारे हाथ में जान है कोशिश करते रहो। रामलाल ने बुजुर्ग की बात सुनी और फिर से कोशिश करने लगा। दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते वह चट्टान को हटाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और चट्टान कुछ इंच सरक गई। यह देखकर रामलाल का उत्साह बढ़ गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार चट्टान को पूरी तरह से हटा दिया। चट्टान के नीचे एक सोने की मूरत निकली। रामलाल समझ गया कि उसकी मेहनत ने ही उसे इस बेशकीमती खजाने तक पहुंचाया है। उसने सोने की मूरत को बेचकर अपनी खेती को और भी बढ़ा गया और गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को धैर्य और निरंतर प्रयास से ही पार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।